तो ये है बनारसी चूड़ा मटर बनाने की असली रेसिपी। एक बार जरूर करें ट्राई रेसिपी डिस्क। बनारस में ठंड के दिनों में लोग अक्सर चूड़ा मटर बनाकर खाते हैं। वैसे तो यह देखने में पोहे जैसा ही होता है, लेकिन बनारसी चूड़ा मटर का स्वाद खाने में थोड़ा अलग होता है। बता दें कि बनारस में पोहे को चूड़ा कहा जाता है और लोग ठंड के दिनों में सुबह के नाश्ते में चूड़ा मटर ही खाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बनारसी चूड़ा मटर बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। वैसे भी आप बनारस के लोगों के अलहड़पन को जानते ही हैं और लोग अक्सर घूमने के लिए बनारस आते हैं। इतना ही नहीं, वो देश विदेश कहीं के भी हो, बनारस में आते ही वो बनारस के लोगों के रंग में रंग जाते हैं।